इधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का भारत दौरा, देश के दिग्गज तेल कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री का संवाद भी होगा। और किसने लगाया दिल्ली पुलिस पर छेड़खानी के दाग, देश भर की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। आज भारत आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर, नई दिल्ली में आयोजित 2+2 बैठक में होंगे शामिल। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच ये तीसरे चरण की बैठक है। इसमें चीन की चालबाजी और उससे बढ़ते खतरे पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे दुनिया के दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के 45 सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। देश में 2030 तक $300 अरब से ज्यादा निवेश का अनुमान है। दिल्ली में हिरासत में मौत के बाद गुस्से में लोग सड़क पर उतर आए। मामला लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन का है। पुलिस ने युवक की मौत का कारण छत से गिरना बताया है। मामले में 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर और 1 एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी के पीए पुनीत ग्रेवाल को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुनीत दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी सब इंस्पेक्टर को सीरियल मॉलेस्टर बताया गया है। बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके में आज सुबह एक लोहा व्यापारी आदेश जैन को अगवा कर लिया गया है। बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। आदेश सुबह दुकान पर गाड़ी से सामान उतरवाने जा रहे थे। खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। गाजियाबाद के लोनी के डाबर तालाब चौकी क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोला। परिवार को बुरी तरह पीटा गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, समझौते के बाद मामले को शांत करा दिया, जिसके 15 दिन बाद मारपीट का वीडियो वायरल है। पंजाब के फिरोजपुर के कस्बे में ममदोट की एक मोबाइल दुकान में धमाके के बाद भयंकर आग लग गई, जिसमें दुकान का मालिक भी झुलस गया है। दुकान के बाहर नाली में छलांग लगा, मालिक की आग बुझाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। बताया जा रहा है कि बैटरी फटने से यह हादसा हुआ। सरकार की दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए किलो तक की कमी आई है। प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। ओखला सब्जी मंडी में प्याज के थोक भाव 45 से 50 तक पहुंच गए हैं। 8 महीने बाद मुंबई में जिम खुल गए हैं, जिसके बाद सुबह सुबह जिम में काफी संख्या में लोग वर्कआउट करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। जिम में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों को शिफ्ट वाइज बुलाया जा रहा है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।